नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईसीयू के विषय में, यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट, गहन चिकित्सा इकाई के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशन देने के माध्यम से जो है बनाई गई है, और अगर आप इंटेंसिव केयर यूनिट टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, अगर आप आईसीयू टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आईसीयू क्या होता है और इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं, और ये क्यों बनाया जाता है आईसीयू। तो आईसीयू जो इंटेंसिव केयर यूनिट है, उसमें ऐसे पेशेंट्स जो हैं उन्हें रखा जाता है जिन्हें कोई गंभीर मेडिकल परेशानी होती है, या फिर अगर कोई खास प्रकार की उन्हें केयर की या फिर सेवा की ज़रूरत है, अगर उनका एक्सीडेंट हो गया है या कोई अचानक से कोई इस तरह की गंभीर स्थिति बन गई है जिनमें उन्हें खास प्रकार की केयर की ज़रूरत है, तो या फिर उनकी जान को खतरा है, तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उन्हें आईसीयू में रखा जाता है। तो ये वार्ड से, जो हॉस्पिटल वार्ड होता है, उनसे अलग होता है, और इसकी इसमें जो सेवाएं दी जाती हैं वो भी हॉस्पिटल वार्ड से अलग होती है। और इन वार्ड्स में खास रूप से जो प्रशिक्षित हेल्थ उपचार और जो केयर देने वाले होते हैं वो मौजूद होते हैं, और इनमें हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं वो खास तौर पे प्रशिक्षित होते हैं। उन्हीं को इस आईसीयू में केयर देने के लिए जो है नियुक्त किया जाता है, जो कि मरीजों की देखभाल करते हैं, और यहाँ पे मरीजों को विशेष निगरानी में, उपकरणों की मदद से विशेष निगरानी में जो है वो रखा जाता है, और 24 घंटे की जो केयर है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, आईसीयू होता क्या है, ये फुल डिटेल जो है हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आईसीयू में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है, किस तरह के पेशेंट या किस टाइप के पेशेंट्स को क्यों और कैसे रखा जाता है, और कौन सी सावधानियां जो है वो इसमें बरती जाती है, और खर्चा कितना आता है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले आईसीयू में किन पेशेंट्स को जो है वो रखा जाता है। तो इंटेंसिव केयर यूनिट में उन पेशेंट्स को रखा जाता है जिन्हें एमरजेंसी किसी डॉक्टर के द्वारा रेफर किया गया हो, या फिर जो एमरजेंसी में, लेकिन पहले जो जब कोई मरीज एमरजेंसी में आता है तो ये डॉक्टर के द्वारा तय किया जाता है कि इसे आईसीयू में वार्ड में भर्ती करना है या नहीं करना है। ये मरीज की जो स्थिति है उसको देख के ये डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। अगर मरीज की जान को खतरा है, या किसी एक्सीडेंट के दौरान जो मरीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया है, या फिर दिल का दौरा पड़ने की वजह से, या किसी अन्य बीमारी की वजह से जो मरीज़ है उसे कुछ खास प्रकार की जो केयर है उसे उसकी ज़रूरत है, तो उन स्थितियों में जो आईसीयू है वो मरीज़ को आईसीयू में रखा जाता है, जहाँ पर उसे अलग अलग प्रकार की जो सेवाएँ या फिर जो ट्रीटमेंट है जिसकी उसे ज़रूरत है वो दिया जाता है। और जो मरीज़ जिनका जीवन बीमारी, किसी गंभीर बीमारी, किसी गंभीर मेडिकल परेशानी या फिर चोट लगने के कारण जो है अगर उनका जीवन खतरे में है, तो जहां उन्हें हर पल निगरानी की और जीवन सहायता उपकरणों पर जो है वो रखा जाता है, और जो आईसीयू है ये हॉस्पिटल वार्ड से बिल्कुल ही अलग होता है, यानी कि इसमें जो उपकरण भी रहते हैं वो हॉस्पिटल वार्ड से अलग होते हैं। तो दोस्तों, ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू में भी फर्क है। हो सकता है कि जो उपकरण ऑपरेशन थिएटर में हो वही उपकरण आईसीयू में भी होते हैं, क्योंकि ये मरीज की जो हर पल की जो उनकी जांच की जानी है, उनकी बॉडी के अंदर की जो जांच की जाती है वो बहुत ही ज़रूरी है, और ये जो जांच है ये उच्च प्रशिक्षण प्राप्त टीम के द्वारा 24 घंटे उन्हें देखभाल जो है यहाँ आईसीयू में दी जाती है। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में क्या है कि सर्जरी सिर्फ सर्जरी के लिए होता है, यानी कि सर्जरी के बाद जो है वो मरीज़ को वार्ड में या फिर आईसीयू यूनिट में भर्ती करवाया जाता है, और यहाँ पर जो है वो मरीज़ को कम बिस्तर होते हैं, यानी कि जो मरीज हैं वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में रखे जाते हैं, और बहुत ही कम लोगों को अनुमति होती है कि वो अंदर जा सके। हॉस्पिटल वार्ड की तरह नहीं कि कोई भी अंदर जा सके, लेकिन आईसीयू में इस बात का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। तो अगर मरीज के जो सगे संबंधी हैं, अगर वो आईसीयू में पहली बार उसे मिलने जा रहे हैं, तो उन्हें कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो उनका जो पालन है वो करना पड़ता है, कुछ नियमों का उन्हें पालन करना पड़ता है। तो
उन्हें अपने जूते बाहर उतार के जाने होते हैं और कपड़े जो है वो चेंज करने होते हैं। और अगर मरीज आराम कर रहा है तो उसे ज़्यादा आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कोई इस तरह के सवाल मत पूछिए जिसका जो जवाब देना है वो मरीज़ के लिए मुश्किल हो। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, सिर्फ इस तरह के ही सवाल पूछें जिसका मरीज़ हाँ या ना में उत्तर दे सके। या फिर आराम करने के लिए कई बार मरीज़ को बेहोश किया जाता है कि मरीज़ जो है वो अपनी रेस्ट कंप्लीट कर सके। तो उसके लिए अगर वो नींद में है, गहरी नींद में है, तो आप उसे प्रश्न या इस तरह के सवाल पूछकर उसे आप डिस्टर्ब ना करें तो बेहतर है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं इसमें होने वाले प्रयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरणों के बारे में। तो सबसे पहला है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर का इस्तेमाल जो है वो इसलिए किया जाता है कि अगर मरीज खुद से सांस नहीं ले पा रहा तो उसके उसे जो है वो वेंटिलेटर पर रखा जाए। तो वेंटिलेटर जो होता है वो लंग्स का काम करता है, मरीज को जो है इसके इसकी मदद से ऑक्सीजन जो है वो मिलती है और जो है वो सांस लेने में उसे अगर दिक्कत आ रही है तो वेंटिलेटर की मदद से उसे ठीक किया जाता है। दूसरा है हार्ट मॉनिटर। तो हार्ट मॉनिटर एक टीवी की तरह दिखता है, जैसे एक टीवी स्क्रीन होती है बिल्कुल वैसा ही होता है और उसमें कुछ रंगीन सी लाइट्स आती हैं जो कि हार्ट रेट को मेजर करने के लिए होती हैं। हार्ट रेट बताती हैं वो लाइट्स और ये एक चिपकाने वाली बेल्ट के साथ जो है वो मरीज़ के साथ चिपका हुआ होता है जिससे हार्ट का हर जो परिस्थिति है उसका पता चलाया जा सके। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये बीप के द्वारा, एक बीप के द्वारा बता देता है कि मरीज को प्रॉब्लम आ रही है। उसे हम अलार्म भी कह सकते हैं कि ये एक अलार्म जो है वो लगा देता है। उसके बाद अगला जो है वो है फीडिंग ट्यूब्स। तो फीडिंग ट्यूब्स में दोस्तों, फीडिंग ट्यूब्स उन लोगों के लिए जो या उन पेशेंट के लिए जो है वो यूज़ की जाती है जो खुद से खा ना पा रहे हो या फिर पेट को खाली करना हो, तो उसके लिए फीडिंग ट्यूब्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है। या फिर मरीज जो है अगर वो बेहोशी की हालत में है, खुद से नहीं खा पा रहा, तो उन कंडीशंस में भी फीडिंग ट्यूब का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। दूसरा है ड्रेसिंग्स और कैथेटर। तो ड्रेसिंग जो है वो तरल पदार्थों को मरीज की बॉडी से बाहर निकालने के लिए, और कैथेटर जो है यूरिन कैथेटर जो है वो अगर मरीज जो है वो बेड रिडन क्लाइंट है, तो बेड रिडन पेशेंट है, तो उसे जो है वो बार बार बाथरूम जाने के लिए या फिर पेशाब करने के लिए बाथरूम ना जाना पड़े, तो इसलिए कैथेटर का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो उपकरण जो कि इसमें रखे जाते हैं आईसीयू में, जैसे कि डिफिब्रिलेटर है, ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोसेफिलोग्राम है जो कि ब्रेन की हर पल की स्थिति को जिसकी मदद से नापा जा सकता है, कंप्रेशन बूट्स हैं अगर क्लॉट्स बन गए हैं तो उसकी मदद से, कंप्रेशन बूट्स की मदद से बार बार पैरों पर कंप्रेशन दिया जाता है। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल जो मॉनिटर है उसका इस्तेमाल किया जाता है, सेंट्रल लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, इन्फ्यूज़न पंप, सरिंज पंप और फीडिंग ट्यूब और फीडिंग पंप का भी इसमें जो है इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो दोस्तों आगे जानते हैं कि जो मरीज़ है उसे आईसीयू में रखा क्यों जाता है। तो अगर मरीज़ की सर्जरी हुई है और वो बहुत ज़्यादा उसकी हालत जो है वो गंभीर है, या फिर उसे कोई गंभीर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है मरीज, जैसे कि हार्ट फेलियर का या फिर किडनी फेलियर का या फिर दिल का दौरा पड़ने से अगर वो बीमार है, या फिर किसी सीरियस कंडीशन में है, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है और मरीज़ जो है वो बहुत ही उसकी जान को खतरा है, तो इन कंडीशंस में डॉक्टर्स जो हैं वो मरीज़ को आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है। अगर कोई बच्चा है वो अपने जो जन्म से पहले ही यानी कि अपनी जो उसकी तय की 9 महीने से पहले, जिसे कि हम प्री मैच्योर चाइल्ड भी कहते हैं, तो उन बच्चों को NICU यानी कि न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है। और यहाँ पर एक जो प्रशिक्षित टीम होती है डॉक्टर्स की या फिर स्टाफ नर्सिस की या जो स्पेशल प्रशिक्षित टीम होती है उसके द्वारा जो देखभाल है मरीज की जाती है। तो दोस्तों इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बताए ये मरीज़ के साथ अटैच किए जाते हैं और फिर एक ध्वनि के द्वारा या फिर बीप के द्वारा ये अलार्मिंग जो है वो करते हैं अगर मरीज़ की स्थिति ठीक नहीं है या फिर मरीज़ की स्थिति गंभीर हो रही है। तो दोस्तों आईसीयू में शिक्षित टीम, नर्सेस, डॉक्टर जो हैं उनका योगदान होता है। तो आईसीयू में आपको किन किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए जाते वक्त, तो कभी भी आपको अपना जब मोबाइल लेके जा रहे हैं उसका आप स्विच ऑफ करें,
आपको कोई गिफ्ट्स वगैरह जो है वो मरीज के लिए नहीं लेके जाने, तो अगर आपको इन्फेक्शन है तो भी आप ना ही जाए आईसीयू में तो बेहतर है, और जितने कम संख्या में लोग जाएं आईसीयू में तो वो अच्छा है मरीज के लिए भी और जो जा रहे हैं उनके लिए भी। और मरीज से मिलने से पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, और अगर मरीज नींद में है या बेहोश है तो उससे सवाल जवाब ज़्यादा ना करें। तो दोस्तों अगर खर्चे की बात करें तो आईसीयू में जो मरीज का खर्चा है वो 30,000 से 50,000 प्रतिदिन तक आता है। और दोस्तों अगर आप आईसीयू इंटेंसिव केयर टेक्नीशियन बनना चाहते हैं या आईसीयू टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं तो दोस्तों इसकी ड्यूरेशन है 6 मंथ। आप भी ये कोर्स करके आईसीयू टेक्नीशियन बनकर एक बेहतर भविष्य जो है वो बना सकते हैं। अगर इसके विषय में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पे ही संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009 और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।